त्यार होना यारह वास्ते। नारो मैं ते गल की थी लाहौर च तो उन्हें तो मस्जिद चुक दी नारे नाल नारो वाल वाले तो ठंडे ने इन्हें पता ही कोई नहीं। भाई नारो वाल वाले मैं शेखपुरे बत्ती चौक च ऐलान किया बत्ती चौक उठता सी एंड पता लगता सी उठता आज मैं लाहौर ऐलान किया लाहौरियां दसिया नारो वाल वाले नहीं दसिया भाई ये तैयार हैं या नहीं हैं नारा लाओ लब्बे अगर वो दर छड़िया ने फिर तुहाड़े को रह की गया जड़े मईशत मईशत पिटते सन किथे गई मईशत ओए सारा कुछ हुजूर दी जात है अल्लाह ताला ने दोवें जहान बनाए हुजूर वास्ते हुजूर नु छड़ के तुसी कहंदे हो मईशतां अगर हुजूर दी नामो से रिसालत वास्ते तुसी कदे भी खड़े हो गए तो फिर रब तुहानू जिल्लत नहीं मुकद्दर करन देगा। ए याद रखना जिन्ना सहाबा ने इस्लाम नु मुठ जोड़ दिते सन ना इस्लाम ने उन्हां दीआं पैरां विच कैसर ओ किसरा दीआं नेमतां रखीआं सन कैसर और किसरा तो मुराद समझ लो आज रशिया अमेरिकन या रशिया चाइना हाँ कैसर और किसरा दिया नेमता उन्हें दे पैरों में दितिया सन और उन्हें दिया औलादा नु उठो दिया हुकमरानियां दितिया सन लेकिन तुसी ओ छड़ के और सारा को छड़ के जब मैं कहता हूँ कि या अल्लाह मेरा हाल देख जब मैं कहता हूँ कि या अल्लाह मेरा हाल देख आवाज आती है बंदे अपना नाम या माल देख तो सा जो कुछ हुजूर दे दीन नाल कीता जो कुछ इस्लाम नाल कीता जो कुछ कुरान नाल कीता तुसी हकदार ही से चीज दियो लेकिन हजे भी तुहाड़े वास्ते माफी है हजे भी अल्लाह ताला ने तुहानू इज्तिमाई अज़ाब इस नहीं मुसल्लत कीता इस वास्ते इमाम फरमांदे ने ताए अरब जलाए करब फयूज अजब बगैर तलब ये रहमत रब है किसके सबब बिरब्बे जहां तुम्हारे लिए ए हुजूर दी वजह नाल आज तुहाड़े ते मेरे मुंह सलामत हन कुरान विच मौजूद है उलमा बैठे पुछ लेना इनको आप भी जाके पढ़ लेना खोल के कुरान विच पहली उम्मतां ने एक करतूत कीता एक करतूत उन्होंने क्या मछलियां नहीं पकड़नी उन्होंने हफ्ते वाले दिन मछलियां पकड़ लिया उन्होंने क्या गुनाह नहीं करना उन्होंने एक करतूत कीता रब ने किसी उत्ते डड्डुआं दा अज़ाब भेजा किसी उत्ते खून दा किसी उत्ते जनाब टिड्डी दा किसी उत्ते जनाब पानी दा किसी उत्ते अग दा किसी उत्ते हवा दा किसी उत्ते पत्थरां दा सारियां कौमां तबाह करके रख दित्तियां तुसीं ते मैं रोजाना मुंह धो के आ जाने केड़ा करतूत हुजूर दी उम्मत नहीं कर दी सारे मिलावट असी करदे आ रिश्वतखोरी असी करदे आ सारे करतूत करके आ जाने रब साडे जनाब चेहरे नहीं बदलदा पहलियां कौमां खिंजीर और बंदर बन गए कम नाप तोल दी वजह नाल रिश्तेदारियां तोड़न दी वजह नाल असी सारे करतूत करके फिर बची खड़े आ फिर की वजह ए इको ही वजह है अताए अरब जलाए करब फयूज अजब बगैर तलब ये रहमत रब है किसके सबब बिरब्बे जहां तुम्हारे लिए जमीनो जमा तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां हम आए यहां तुम्हारे लिए उठे भी वहां तुम्हारे लिए ये सिर्फ हुजूर की जात है अगर हुजूर की जात बीच में ना लगे मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका की वजह है कि जनाब कौम को इज्तिमाई अज़ाब नहीं मिलता वरना तो जो कुछ हम कर चुके हैं इस्लाम के साथ गैरों की बात छोड़े हम खुद जो कर चुके हैं हमारा किसी चीज का सलामत रहना बनता नहीं है ये हुजूर का नाम है और हुजूर का नाम ही है जो कायनात में हर चीज को सीधा रख सकता है हुजूर का इश्क ही है वरना तो इकबाल कहते हैं ना इकबाल तेरे इश्क ने दिए सब बल निकाल इकबाल तेरे इश्क ने दिए सब बल निकाल मुद्दत से आरजू थी के सीधा करे कोई कहता है पढ़ ली है मैंने उलूम में शर्क व गर्ब रूह में बाकी है अब तक दर्द व कर्ब इकबाल कहता है मैं जदीद भी पढ़ा कदीम भी पढ़ा अपने भी पढ़े बेगानों का भी इल्म पढ़ा सारा कुछ पढ़ा फिर भी मेरी जनाब को बेचैनी नहीं गई फिर क्या हुआ इकबाल कहता है ताज़े बंदे ही गुलिस्तान रस्ताम आशियां पर शाखे तूबा बस्ताम कहता है फिर मैंने अपने दिल के सुकून के लिए अपनी राहत के लिए फिर अपनी मंजिल को पाने के लिए वो रस्ते पर घोंसला बनाया जो मदीना पाक जाता था और फिर दुआ की कि हवा हो ऐसी हिंदुस्तान से आए इकबाल उड़ा के मुझको गुबारे राह हिजाज करे इकबाल कहता है मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं डायरेक्ट हुजूर की बारगाह में पहुंच जाऊं इकबाल तो क्यामत वाले दिन के बारे में कहता है ना कि तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर रोजे महशर उजर हाय मन पजीर वर हिसाबम रात भी नहीं ना गुजीर
अज निगाह मुस्तफा पिनहा बगीर। कहता या अल्लाह अगर क्यामत वाले दिन भी मुझसे हिसाब लेना हुआ ना तो हुजूर की नजर रहमत से छुपा कर लेना कि मैं हुजूर के सामने कौन से अमाल लेकर जाऊंगा। लेकिन इकबाल को क्या, इकबाल ने बाबा जी कहते थे इकबाल जल्ला हुजूर की रहमत और कोई गैब तुझसे निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हैं जी, और क्यामत वाले दिन भी हुजूर ने ही काम आना है। सारी बातें करते हुए इकबाल क्या ना, इकबाल कहता है मैं मदीने पाक नहीं जा सकता, हुजूर के सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊं। फिर इकबाल क्या हो, कहता है हवा हो ऐसी हिंदुस्तान से आए इकबाल, उड़ा के मुझको गुबारे राह हिजाज करे। इकबाल कहता है कि ऐसी कोई हवा आए मेरी खाक उड़े, मैं मर जाऊं खाक में मिल जाऊं, फिर मेरी खाक उड़े फिर जाके तैबा के रस्ते पर चली जाए और उस रस्ते पर हाजी जो गुजरे उनके पाँव के साथ लग कर मेरी मट्टी मदीने पहुंचे। ये है इश्क का, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है जो हर बंदे को इज्जत दे सकता है। और ये दीन तो हजरत फारूक आजम इस्लाम लाने से पहले गुलाम हबशी गुलामों पर थूकते नहीं थे, लेकिन जब इस्लाम ले आए तो फिर कहते थे अबू बकर सैयदना वातक सैयदना, अबू बकर भी हमारा सरदार, अबू बकर ने जिसको आजाद किया बिलाल भी हमारा सरदार। और सारी दुनिया आई, सारी कायनात आई, सब ने कहा गरीबों की बात करें, सब ने गरीबों के नाम लिया, गरीबों के नाम पर बंगले कोठियां जायदादें महल और जनाब बड़े बड़े नाम कमाए, गरीबों का नाम और काम किसी ने नहीं किया। एक बार फिर किसने किया, कहता है काहिनो पापाओ सुल्तानो अमीर बाहर यक नखचेर सद नखचेर गिर। कहता है मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले काहिन पादरी जनाब और जनाब आहंगर और सारे ये सुल्तान जनाब बड़े बड़े बडेरे ये सारे मौजूद थे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले पहले। कहता है ये सारे मौजूद थे, किसी ने गरीब की बात नहीं की। फिर क्या हुआ, कहता तामीन हक बहकदारा सफर। कहता है इतनी देर में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए दुनिया में। फिर हुआ क्या, आमीन हक हकदारा सपुर्द बंदागारा मसनद खाका सपुर्द। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशी गुलामों को काबे की छत के ऊपर चढ़ा दिया। हाँ जी, हबशी गुलामों को काबे की छत के ऊपर चढ़ा दिया। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का वाले दिन जब मक्का में तशरीफ ले आए ना, काबे के सामने आए, आज कुरैशी भी खड़े हैं, आज हाशमी भी खड़े हैं, आज हुजूर का पूरा खानदान खड़ा है, आज बनू उमैया भी खड़ा है, आज बनू अब्बास भी खड़े हैं, सारे खड़े हैं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे का दरवाजा खुलवाया, एक हाथ में हजरत बिलाल हबशी का हाथ पकड़ा, एक हाथ में हजरत उसामा बिन जैद, हजरत उसामा बिन जैद लोडी और गुलाम के बेटे हैं, बल्कि गुलाम इब्ने गुलाम है, एक तरफ गुलाम इब्ने गुलाम और एक तरफ हबशी गुलाम। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों को काबे के अंदर ले गए, आज सारे खड़े हैं, हुजूर ने अंदर से जाके कुंडी लगवा दी, आज सारे खड़े हैं बाहर, अबू बकर भी हाथ बांध के खड़े हैं, उमर भी हाथ बांध के खड़े हैं, उस्मान भी खड़े हैं, अली भी खड़े हैं, अब्दुल्ला बिन उमर भी खड़े हैं, साद भी खड़े हैं, सईद भी खड़े हैं, तलहा भी खड़े हैं, सारे के बाहर खड़े हैं, हुजूर का खानदान भी खड़ा है, आज जनाब इमाम हसन और हुसैन भी बाहर खड़े हैं। हुजूर ने गुलामों को अंदर जाके कुंडी लगा दी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं फारूक आजम के बेटे, कहते हैं जब बिलाल बाहर आए ना तो मैंने कहा यार बिलाल बता तो सही हुजूर ने नफल कहाँ पढ़े हैं। कहते हैं बिलाल आंख ही नहीं मिलाते थे, ये नाज ये अंदाज गुलामों को हुजूर ने दिए। फारूक इब्ने खत्ताब का पोता, फारूक आजम का बेटा उमर और हबशी गुलाम उससे आंखें ही ना मिलाए, ये हुजूर का दामन ही है, ये हुजूर का दीन ही है जो इतनी इज्जत दे सकता है। और सारे आज हाथ बांध के बड़े खड़े हैं। और ये याद रखना कि मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़कर अगर गरीब कहेंगे ना कि चौधरी के दर पर इज्जत है, तो चौधरी सारी जिंदगी मंजीदे पावे ना तो जरूर बिठाएगा, इज्जत वाली जगह कभी नहीं बिठाएगा। ये इज्जत वाली जगह पे बिठा सकता तो हुजूर का दीन बिठा सकता, ये हुजूर दा निजाम बिठा सकता, ये हुजूर दा जनाब। आखिरी गल करके मैं सारा कुछ बंद कर रहा हूं इस वास्ते के जनाब रात दा भी काफी सारा हिस्सा गुजर चुका और गाजी मोहतरम जनाब गाजी अब्दुल वहीद साहब दे वालिदे गिरामी भी मौजूद हैं, बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं। फिर तुसी दा जवान हो ना माशाल्लाह, तुसी दा तैयार हो ना यारां वास्ते, नारो मैं ता एक गल की थी लाहौर च तो उन्हें तो मस्जिद चुक दी नारे नाल, नारो वाल वाले तो ठंडे ने इन्हें दबाते कोई नहीं। लबैक या रसूल अल्लाह।
भाई नारोवाल वाले मैं शेखपुरे बत्ती चौक च ऐलान किया ते बत्ती चौक उड़दा सी एंड पता लगदा सी उड़दा आज मैं लाहौर ऐलान किया ते लाहौरियां दस्या ते नारोवाल वाले ने दस्या भई ये तैयार हैं या नहीं हैं नारा लाओ लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक बस साढ़े आठ